ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Your ceaseless efforts to uplift our nation inspire all of us whenever we face impediments or setbacks, whether in exams, sports or any other competitive scenarios. What motivates you, sir, to be energetic and tirelessly enthusiastic in your 17 hours hectic work schedule? As students, how can we adhere to proper time management schedule in accomplishing our goals? Thank you, sir. जब हमें एग्जाम्स या खेल या किसी प्रतियोगिता में असफलता मिलती है या मुश्किलें आती हैं, तो आपके द्वारा राष्ट्र को लगातार ऊंचाइयों तक ले जाने के आपके प्रयास हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं. 17 घंटों की आपकी व्यस्त दिनचर्या में आपको ऊर्जावान बनाए रखने और बिना थकान महसूस किए उत्साहित रखने में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल का पालन कैसे करें? माननीय, कृपया बताएं. आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप कभी थक जाते होंगे, आप कभी बोर हो जाते होंगे, आपका मन भी करता होगा नहीं यार ये कुछ और करें. लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी माँ का भी तो शरीर होता है, उसको भी कभी थकान लगती होगी, उसको भी कभी बीमारी आती होगी, उसको भी मन करता होगा चलो आज सो जाए. लेकिन वो हर पल कितनी बीमार क्यों ना हो, बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा तो हंसते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है. अगर उसको कोई सवाल पूछे कि माँ तेरे में ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तुम दिन में 24 घंटे 8 घंटे किचन में खड़ी रहती हो, इधर दौड़ती हो, टेलीफोन आया तो उसको उठा लेती हो, घर की घंटी बजी तो दौड़ जाती हो, मेहमान आया तो पानी पिला लेती हो, काम वाली नहीं आई तो उसको बुलाने के लिए कोई व्यवस्था करती हो, नहीं इतनी सारी चीजें कैसे करती हो? क्यों? परिवार मेरा है, सदस्य मेरे है. मां के मन में भाव होता है मैं नहीं करूं तो कौन करे. जब ये भाव पैदा हो जाता है अपनेपन का, तो फिर ऊर्जा अपने आप आती है, थकान कभी घर का दरवाजा नहीं देखती है. मेरे लिए भी 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और 125 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है, तो मैं थकान महसूस नहीं करता हूं. हर पल मैं सोचता हूं, रात को जब बिस्तर पे जाता हूं तो सुबह का सोच करके जाता हूं, दिन भर कितना किया नहीं किया बात की बात है, कल सुबह नए उत्साह से निकल पड़ूंगा ये सोच करके बिस्तर पे जाता हूं और नए उमंग नई ऊर्जा के साथ आता हूं. जहां तक टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, आप अगर किसी से समय मांगे और वो ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास इन दिनों समय नहीं है, तो आप लिख के रखिए वो झूठ बोलता है. मतलब उसको समय का उपयोग आता नहीं है. ऐसा कभी नहीं हो सकता है अगर आप अपने समय के संबंध में जागरूक हो. आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सचमुच में अपने 24 घंटे की दिनचर्या का एटलीस्ट 1 वीक का एनालिसिस किया होगा. बहुत कम होंगे. आप एक काम कीजिए, बीते हुए 1 सप्ताह में आप सुबह से शाम तक अपना याद करके लिखो समय का क्या उपयोग किया, तो आपको ही पता नहीं होगा कि मैंने ये काम क्यों किया. यार मैं तो बेकार में समय बिगाड़ दिया, देखो मैं तो यहाँ खाली बैठा था, मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, मैं ऐसे वो चीज को देखा करता था. आप तुरंत सोचेंगे नहीं ये 6 चीजें कम करूं, ये समय निकलेगा यहाँ उपयोग करूंगा. टाइम मैनेजमेंट ये हमारे अपने हाथ की बात होती है, हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं. और इसके लिए कोई बड़े MBA, बहुत बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं चाहिए. आप सिंपली अपने यहाँ घर काम के लिए आने वाली महिला को जरा ऑब्जर्व कीजिए. इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाली जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, वे 10-12 घरों में काम